लेकिन इन सब के बीच खबर यह भी है कि अनलॉक 4 में भी स्कूल और कॉलेज नहीं खोले जाएंगे। स्कूल और कॉलेज फिलहाल अब भी बंद रहेंगे। और बड़ी खबर इस वक्त सूत्रों के हवाले से यह है कि फिलहाल स्कूलों के खुलने का समय तय नहीं है। कोरोना की स्थिति पर निर्भर करेगा कि स्कूल कब खुलेंगे। अभी तक केवल केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ ने स्कूल खोलने की मंशा जताई है। बैठक में मंत्रालय के अधिकारियों ने बताया है कि गाइडलाइन के मुताबिक कक्षा 3 तक ऑनलाइन क्लास की अनुमति नहीं है। कक्षा 3 तक के छात्रों के अभिभावक ऑनलाइन क्लास में हिस्सा ले सकते हैं, जबकि कक्षा 4 से 7 तक सीमित ऑनलाइन क्लास हो सकती है। रवि त्रिपाठी और जानकारी के साथ। रवि, देखिए, आज मानव संसाधन विकास मंत्रालय के स्थायी समिति की बैठक थी, स्टैंडिंग कमेटी की बैठक थी। उस बैठक में तमाम सांसदों ने अलग अलग सवाल किए, क्योंकि उसमें सांसद भी होते हैं, स्थायी समिति के चेयरमैन विनय सहस्त्रबुद्धे वो भी थे, और तमाम अधिकारी भी मौजूद रहते हैं। तो अधिकारियों से आप सवाल जवाब कर सकते हैं कि आखिर क्या स्थिति है। तो उसमें ये निकल के आया कि अभी सब लोग चाहते हैं कि स्कूल नहीं खुले फिलहाल, तो ऐसा माना जा रहा है कि फिलहाल स्कूलों को खोलने का कोई प्लान सरकार के पास नहीं है, क्योंकि कोरोना हवाला दिया गया कि कोरोना की स्थिति को देखते हुए ही स्कूलों को खोलने का फैसला आगे सरकार लेगी या नहीं लेगी, जो भी होगा। तो अभी हालात जो है उसके हिसाब से ऐसा नहीं लग रहा है कि अभी सितंबर हो चाहे अक्टूबर में जब से भी स्कूल खोला जा सकता है, ऐसा कोई गारंटी नहीं है। साथ ही साथ ये अच्छी चीज बताई गई कि तीसरी क्लास तक के जो बच्चे हैं उनको ऑनलाइन एजुकेशन कंपलसरी नहीं है, उनको जरूरी नहीं है। उनमें अभिभावक जो उनके छात्रों का जो पेरेंट्स हैं वो ऑनलाइन क्लास में शामिल हो सकते हैं, उनके बच्चों को कोई जरूरी नहीं है। ये बहुत बड़ी राहत है, क्योंकि मैं बताऊं कि मेरा बच्चा भी तीसरी क्लास में, इसलिए मैं जानकारी के लिए मुझे लग रहा है कि बड़ी राहत है। और हमें सुबह से परेशानी रहती है कि इस तरह की चीजें, बच्चे ऑनलाइन में कई बार इरिटेट होते हैं, परेशान होते हैं, तमाम चीजें दिक्कत होती है। इसके अलावा एक क्वेश्चन बैंक बनाने की बात हुई है कॉलेज के छात्रों के लिए, तो स्कूल और कॉलेज तमाम तरह के छात्रों के लेकर तमाम सवाल किए गए हैं और तमाम तरह के जवाब दिए गए हैं। और सरकार की तरफ से कहा भी गया है कि जो भी सलाह आए हैं तमाम सांसदों की तरफ से, अलग अलग पार्टी के लोग इस कमेटी में होते हैं, तो जो भी सलाह आया है उन सलाह पर विचार किया जाएगा। लेकिन फिलहाल कोरोना के दौर को खबर यहां पर अभी दे रहे हैं स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र और उनके माता पिता के लिए खबर जाननी और समझनी